अंदर आइए। नहीं, हम लोग जरा जल्दी में हैं। आप बस उर्मी को बुला दीजिए प्लीज। उर्मी तो गार्डन में पीयूष के साथ खेल रही है। चलिए मैं आपको वहीं ले चलती हूँ, आइए। बच्चे कहाँ गए? अभी अभी तो यहीं खेल रहे थे, छुपा छुपी खेल रहे थे दोनों। मुझे, मुझे बचाओ! मुझे, मुझे बचाओ! ये तो पीयूष की आवाज है। आप लोग यहां रुक जाइए, चलो जल्दी। उस पेशेंट का ध्यान रखना, तब तक मैं दूसरा केस हैंडल करके आता हूं, ठीक है? चलो।
हमें रात भर बच्चे को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा, उसके बाद ही उसकी हालत के बारे में कुछ बता पाएंगे। जी डॉक्टर साहब। ओके। आदेश जी, आप सब लोग यहाँ पर आए इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, लेकिन रात बहुत हो गई है और उर्मी बेटी भी थक गई होगी। आप सब लोग घर जाएं, रेस्ट करें और पीयूष की जो भी डेवलपमेंट होगी मैं आपको बताता रहूंगा। नहीं, मुझे अभी पीयूष से मिलना है। उर्मी, 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 देखो पीयूष अभी अंदर है और वैसे भी तुम रात भर उससे मिल नहीं सकती हो। एक काम करो, घर जाके आराम करो, हम कल उससे मिलने आएंगे ना, ठीक है? मम्मी जी, मम्मी जी, ये लोग आ गए। इतनी देर लग, उर्मी क्या हुआ? आदेश बताओ ना, क्या हुआ उर्मी को? कुछ नहीं मां, बस वो थक गई है। मम्मी जी, कुछ तो गड़बड़ हुई है ना, जो ये लोग छुपा रहे है ना? मनाली, तुम भी उर्मी के साथ ले चोर से सुलाने की कोशिश करो, वो दिन भर बहुत परेशान रही है। बंद करो और सो जाओ। डरने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना यहां तुम्हारे पास, सो जाओ। पीयूष बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम कल सुबह से मिलने चलेंगे, ओके? प्रॉमिस। हाँ प्रॉमिस, लेकिन एक शर्त पर, तुम अभी आंख बंद करके सोने की कोशिश करोगे और कुछ नहीं सोचोगे। ये तो दोस्त, पीयूष ठीक तो हो जाएगा ना? ये कार्ड देखते ही वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और तुम्हारे साथ फिर से खेलने लगेगा। आप लोग यहां? हमें उर्मी से मिलना है। मिस्टर आदेश, आप तो ये वही उर्मी है जो उस बच्चे के साथ गुम हो गई थी।
हाँ, लेकिन आप इस वक्त यहाँ? मिस्टर आदेश, एक्चुअली हम पीयूष पर हमले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और शांति मार्ग में भवानी हाउस के अंदर जो कुछ भी हुआ, उर्मी उसकी चश्मदीद गवाह है। उसी सिलसिले में मैं उससे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। प्लीज बैठिए। उर्मी, अंकल तुमसे जो भी सवाल पूछे उसका सही सही जवाब देना, ओके? उर्मी बेटा, बताओ कल उस बंगले में क्या देखा आपने? कैसा दिखता था वो आदमी, मतलब उसका रंग कैसा था, गोरा या काला? उसने दाढ़ी मूछ रखी हुई थी? कपड़े कैसे पहने थे उसने, मतलब दिखता कैसा था वो आदमी? उसने पिंक कलर का कुछ पहना था, लेकिन मैंने उसको ठीक से देखा नहीं। हाइट क्या थी उसकी? जब आपने उसका हाथ काटा तो उसका चेहरा कैसे नहीं देखा? उसकी उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी ना, इसलिए नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने उसकी दाढ़ी देखी और उसका चेहरा नहीं देखा? उर्मी याद करो, तुमने कुछ तो देखा होगा, मतलब कोई निशानी, कुछ ऐसा जिससे हम उसे पकड़ सके। याद करो उर्मी, उर्मी याद करो, उर्मी बोलो, उर्मी याद करो उस चेहरे को। उर्मी दीदी, ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चे से कोई ऐसे सवाल पूछता है? देखिए कितनी डर रही है। इंस्पेक्टर, इस हादसे से उर्मी बहुत डरी हुई है, वो फिलहाल आपके सवालों का जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। आप उस घर की तलाशी क्यों नहीं लेते? क्या पता वो आदमी शायद वहीं हो? देखिए, हमने उस घर की अच्छी तरीके से तलाशी ली है, वहां कोई पागल आदमी नहीं है। मैंने उस पागल आदमी को वहीं देखा था। दीदी, वो था वहां पर, उसने पीयूष को पकड़ा हुआ था। मैं सच कह रही हूँ, मैंने देखा था उसको वहां पर। देखिए इंस्पेक्टर, उर्मी काफी डरी हुई है, मेरे ख्याल से ठीक है, मैं फिर आऊंगा। दीदी प्लीज प्लीज पीयूष के पास चलो, चलो। इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब, मनाली भाभी ने आपसे जिस तरह से अंदर बात की उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। वो क्या है ना, एक तो बेचारी उर्मी इतनी डरी हुई थी, ऊपर से उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है, इसलिए मनाली भाभी को बुरा लग गया होगा। दिमागी हालत क्या हुआ, आपको नहीं पता? मुझे लगा आदेश भैया ने आपको बता दिया होगा, वरना आप ही सोचिए, 18 साल की उम्र में उर्मी 8 साल के बच्चों के साथ क्यों पढ़ती है? अच्छा, इससे पहले उर्मी ने कभी घर में वायलेंट रिएक्शन किया है, मतलब किसी किस्म की तोड़फोड़ या फिर कोई लड़ाई झगड़ा? इंस्पेक्टर साहब, अब मैं क्या कहूँ? वो देखिए, आप जो भी जानती हैं बेझिझक बताइए,
इससे हमें केस सॉल्व करने में आसानी होगी। जी हाँ इंस्पेक्टर, उर्मी पहले बहुत जिद्दी थी और वायलेंट भी, बात बात पे तोड़फोड़। इनफैक्ट एक बार हमें उसे मेंटल असाइलम में भी एडमिट करना पड़ा था। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया, चलता हूँ। मनाली, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? पीयूष से मिलने जा रहे हैं हॉस्पिटल में। बेचारा बच्चा, मैं भी चलूँ आप लोगों के साथ? चलो। उर्मी दीदी छोड़ो मुझे, मत मारो। उर्मी दीदी छोड़ो मुझे, मत मारो। लगता है हमले की वजह से बच्चे को गहरा सदमा पहुंचा है। बाय द वे, ये उर्मी कौन है जिसका ये बच्चा बार बार नाम ले रहा है? उर्मी ने ही उस पागल आदमी से इसकी जान बचाई है। इस बात पर इतना यकीन मत जताइए मिसेज अग्रवाल। देखना, जब मैं पीयूष को ये काट दूंगी ना, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुमने भगवान जी से सच्चे दिल से प्रे किया है ना, तो पीयूष जल्दी से ठीक हो जाएगा। और पीयूष को सबसे पहले मैं ही मिलूंगी। आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर? देखिए अग्रवाल साहब, हमने पूरी जांच कर ली है। उस घर में तो क्या, आपके पूरे एरिया में दूर दूर तक कहीं भी कोई पागल नहीं है। उर्मी के सिवा कभी भी किसी ने उसे नहीं देखा है। और जब हमने उर्मी से इस बारे में जानकारी ली, तो उसके पास हमारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, उर्मी क्यों पीयूष पर हमला करेगी? वो कोई पागल थोड़ी है। शायद आप उर्मी की हिस्ट्री नहीं जानते अग्रवाल साहब। वो एक स्पेशल बच्ची है। दिमागी तौर पर कमजोर होने के साथ साथ वो आक्रामक भी है। और अपने पागलपन में किसी पर भी जानलेवा हमला कर देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चुप क्यों हो गई? बोलो ना वरना क्या? वरना मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी, समझे ना? उर्मी दीदी छोड़ो मुझे, उर्मी दीदी, उर्मी दीदी। पीयूष, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। वहीं रुक जाओ। मेरे बच्चे को हाथ भी मत लगाना। तुम्हारी वजह से आज मेरे बच्चे की ये हालत हुई है। क्या किया तुमने मेरे बच्चे के साथ, बोलो? जवाब दो, क्या किया तुमने मेरे बच्चे के साथ? क्या किया तुमने मेरे बच्चे के साथ? जवाब दो, जल्दी जवाब दो मुझे, क्या किया तुमने मेरे बच्चे के साथ, बोलो?